हम लोगों ने दिल्ली में कई सारे स्कूल्स को विजिट किया और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो स्कूल्स में थी वो भी हमने दिल्ली सरकार को कम्युनिकेट की। उस वक्त हमारे ध्यान में ये आया कि दिल्ली के कई स्कूल्स में हेड ऑफ़ द स्कूल्स या प्रिंसिपल्स परमानेंटली पोस्टेड नहीं है, तो हमने पहले भी ये बात दिल्ली सरकार को कही थी लेकिन उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया। इसलिए हमने कल दोबारा उनको चेताया है कि भाई अगर बिना प्रिंसिपल्स के बिना हेड ऑफ़ द स्कूल्स के स्कूल चला रहे तो ये फैक्चुअल पोजीशन इस बारे में आपकी क्या है वो हमको बताइए। हमको कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी मिली जिनमें बच्चों को पढ़ाना उनके जीवन के लिए ख़तरनाक है, कुछ जगह तो ऐसी मिली जहाँ बिल्डिंग थी ही नहीं। हमको पोर्टा केबिन में पढ़ते हुए भी बच्चे मिले। हालांकि कुछ जगहों पर हमको ये भी देखने को आया कि वोकेशनल ट्रेनिंग में लड़कियों को केवल सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, तो एक तरीके से एक बड़े जेंडर डिस्पैरिटी खड़ी करने की कोशिश है। ओवरऑल हमको ये समझ में आया कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल्स की जो हिस्सेदारी है उसकी अपेक्षा दिल्ली में बच्चों के दाखिले के मामले में प्राइवेट स्कूल्स की हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, समुचित मात्रा में समुचित स्कूल समुचित सुविधा के साथ खोलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून का ये मैंडेट है, उसको पूरा करना चाहिए।